ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कहीं पर भी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जानकारी नहीं है तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आप कैसे दूर करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज के वक्त में हर काम इंसान पैसे देकर करवाते हैं, ऐसे में कई तरह के बिजनेस के डेवलपमेंट हो चुके हैं। सामान खरीदने से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ आज इतना फास्ट हो चुका है कि इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा से नहीं सोचा होगा कि ये बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। इन ज़रूरतें से ही यातायात के क्षेत्र में बिजनेस करने वालों का भी बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। इस तरह के बिजनेस में एक बिजनेस आता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती ही रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का अर्थ होता है यातायात के साधनों के माध्यम से कोई बिजनेस करना। आपने तो देखा ही होगा कि जब हम मार्केट से कोई भारी भरकम सामान खरीद लेते हैं जिन्हें ले जाने में हमें दिक्कत आती है, या यूं कहें कि कहीं हमें सामान डिलीवरी करना हो और उस शहर में हम नहीं जा सकते, तो ऐसे में हम ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सहायता लेते हैं। उन्हें उस सामान का पैसा देकर अपने सामान को हम निर्धारित स्थानों पर पहुंचवा देते हैं। यही होता है एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इसकी ज़रूरतें दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस की सारी जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फाइनेंस का इंतजाम कैसे करें, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, छोटा हो या बड़ा बिजनेस। क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इसकी आप कैसे प्रॉब्लम दूर करेंगे, तो आपको अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए, अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, यातायात के लिए साधन खरीदने होंगे, और यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सरकार भी मदद करती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए लोन सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 80% लोन आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर आपने कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें से 80% आप लोन ले सकते हैं और अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। तो आइए यह देख लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। भारत में कोई भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने पर सबसे पहले कानूनी रूप से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसका पंजीकरण केंद्र सरकार की तरफ से करानी पड़ती है। इसमें आपको शॉप एक्ट, लाइसेंस, उद्योग आधार तथा GST नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। तो आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक लीगल प्रकार से यह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से क्या लाभ है, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितना इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपका इसमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ खोलते हैं तो आप इससे अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं, और इस बिजनेस के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जैसे कि आजकल ओला और उबर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की गुडविल बढ़ने से इससे कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां जुड़ती जा रही है। यदि आप भी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करते हैं तो आप भी ओला और उबर कैब के साथ अपनी वाहन को जोड़ सकते हैं और अच्छा खासा इसमें लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे और ज़्यादा कस्टमर पाने के लिए ऑनलाइन मार्केट justdial.com को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 4000 में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करें तभी ये बिजनेस आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसी कई सारी बातें आपको जिनका ध्यान रखना होगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपकी कंपनी बंद हो जाएगी।
ट्रांसपोर्ट बिजनेस में समय का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप समय पर कस्टमर की मांग को पूरा करते हैं तो बहुत से कस्टमर आपके एक तरह से परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। इसी तरह अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस की सुरक्षा में पूरी सावधानियां बरतें और आप अपनी कंपनी के लिए जो भी ड्राइवर्स रखते हैं ध्यान रखें उन्हें कोई भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, उन्हें कोई भी शराब की आदत ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं करने से आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलेगी, बल्कि आपको समय पर अपने वाहन की सर्विसिंग का भी ध्यान रखना होगा। अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने से पहले बिजनेस प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें लॉस हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडियाज जो कि आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसमें कम इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है। तो इसमें फर्स्ट आता हमारा कार रेंटल बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडियाज में सबसे पहले आता है कि आप अपनी कार को किराए में देकर इसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। कार रेंटल बिजनेस बहुत ही लाभदायक ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडियाज है। भारत में इसकी डिमांड बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है। हमारे देश में कार किराए पर लेने का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल के लोग घूमने जाना, शादी में जाना, पिकनिक, कहीं पर भी जाने के लिए कार किराए पर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कार है तो आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऐप कार सर्विस। आजकल यह बिजनेस भी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मोबाइल ऐप कार सर्विस कंपनी जैसी कि ओला और उबेर के जरिए लोग आसानी से कार बुक करते हैं और राइड के हिसाब से कंपनी को पैसे देते हैं। अगर आपके पास भी कार है तो आप ओला और उबेर जैसी सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपनी कार को जोड़ सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा है कि कार ड्राइविंग स्कूल। अगर आप कार ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक कार होना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और कुछ नियमों का पालन करना होता है और आप एक कार ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से आप अपनी मार्केटिंग करके इसमें क्लाइंट बना के बहुत अच्छे से उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें अगर आप एक क्लाइंट से भी 3,000 रुपये या 3,500 तक भी लेते हैं तो मंथली आप 10 क्लाइंट को भी आप कार सिखाते हैं तो आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप इसमें कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अच्छी सिटी में यह बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है आसपास, कितना आपके एरिया कैसा है, तो उस हिसाब से ये बिजनेस चलता है। इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस तभी आप स्टार्ट करें जब आपके पास अच्छा पैसा हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा हो, तभी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और कोई सा भी बिजनेस करने से पहले आपके पास अच्छा धैर्य होना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में आगे सफल हो सकते हैं। एक बार फिर बता दूं कि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, बिजनेस की पूरी प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी प्लानिंग नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, यह सारी प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर कोई बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता है और हर कोई बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं कर पाता है। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।